बलोचिस्तान के आवाम के लिए बहुत जरूरी है, बात करने के लिए मैं ज्वाइन करें सेनेटर अनवारुल हक काकर साहब। अस्सलाम वालेकुम अनवार साहब। अनवार साहब, आप किस तरह से देखते हैं खास तौर पे बलोचिस्तान की खुशहाली, उसकी तरक्की के लिए जो ये तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें गुलजार माम शंबे की शिरकत, इसको बड़ा खुशाइन करार दिया जा रहा है, आपने किस तरह देखा है इसको? जी देखें, किसी भी माशरे के लिए तरक्की और प्रोग्रेस के लिए एक पीसफुल एनवायरनमेंट का होना जरूरी है। बिल्कुल। और जैसे आप जानते हैं कि बलोचिस्तान में एक दो दिहाइयों से लगभग वायलेंस की मूवमेंट जो है ना उसका हमें सामना है, और वहाँ पर मुख्तलिफ आउटफिट्स जो हैं वो किस्मती से हमारा जो मशरकी वो हमसाया है हिंदुस्तान, उनकी प्रॉक्सी बनकर जो है ना यहाँ के अमन को भी ताराज किया हुआ है, और उन्होंने मुख्तलिफ लोगों को टारगेट किया हुआ है, और बहुत ज्यादा वायलेंस की सूरत में लोगों की जिंदगी को मुतासर किया हुआ। ऐसे में जाहिर है रियासत के पास अपना अखलाकी और आइनी और कानूनी जवाब है कि इनको ताकत से ही उसका उसकी मैनेजमेंट वायलेंस की जाए, उनको जवाब दिया जाए, जो कि एक इनहेरेंट राइट ऑफ द स्टेट है, ताकि बाकी सिटीजनरी आपकी पॉपुलेशन जो है वो पीसफुल जिंदगी गुजार सके। इसके साथ साथ देखें, स्टेट के पास जो है ना डायलॉग का टूल भी हमेशा अवेलेबल होता है कि वो अगर अल्टीमेट समझती है कि पीस ऑब्जेक्टिव अचीव किया जा सकता है तो वो डायलॉग को भी मौका देता है या दे सकता है। ये करंटली जो साहब हैं इनको उसी पैराए में समझना चाहिए कि ये जो नोबल इंटेंट ऑफ द स्टेट है इस वो स्टैब्लिश होती है, जाहिर होती है कि रियासत चाहती है कि लोगों को मौका फराहम किया जाए, और जहाँ जहाँ इन शिदत पसंदी की वजह से इन फॉलोइंग में लोग गलत राह पे चल पड़े हैं वो रुजू कर सके और अपनी जो डायरेक्शन है उसको ठीक कर सके, एक पीसफुल सिटीजनरी का रोल अदा कर सके और फिर उस रोल में जिंदगी बिता सके। अपना घर यूं मईशत का पहिया भी घूमेगा, मजदूर भी सर उठा के जिएगा, खेतों में हरियाली लहराएगी, किसान भी खुशियां समेटेगा, उम्मीद के चिराग जलते रहेंगे, महंगाई से भी जान छूटेगी, पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा, बोल बनेगा अवामी मसाइल की आवाज, बात होगी मसाइल की लेकिन हल के साथ। देखिए खुसूसी नशरियात मिशन मईशत बुध के रोज 1 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।